Good morning, class. So, as you know, these days we are not having our online lectures because of the connectivity issue. So, I'm here with the next video of the chapter in Civics. Civics chapter 4, the key elements of a democratic government. So, if you remember, the previous chapter that we covered in Civics was the what do you mean by government and what are the different types of government. So, we have read all those things that government is the governing body, right? Who take the decisions for our betterment and all. And then we have also covered the different types of government. Remember, so democratic, monarchy, aristocracy, है ना? हम सब लोग उसमें डिक्टेटरशिप, हम सब उसमें कवर कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वन ऑफ द मेजर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना? हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, द मेजर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो बिफोर वी स्टार्ट, इफ यू रिमेंबर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसमें उसका मतलब क्या था? दैट वेन इन द इन दिस दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पर्सन इलेक्ट द गवर्नमेंट, है ना? हमारे पास पावर है अपनी सरकार को चुनने की. इन विच गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, एंड गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पब्लिक. मीन्स गवर्नमेंट जो भी काम कर रहा है, जैसे भी डिसीजन ले रहा है, जो भी कर रहा है, वो किसके लिए करेगा? एक तो वो काम करेगा पीपल्स के लिए, और पीपल को बाद में आंसरेबल भी होगा, राइट? हम लोग ये पूरा पूरा देख चुके हैं. देन इसके हम लोग देखेगा की फीचर्स क्या हैं, राइट? की फीचर सबसे पहले है इंडिविजुअल फ्रीडम. जिस भी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहाँ कंट्री के पास क्या होता है? इंडिविजुअल फ्रीडम. दैट वहाँ की जो लोग होते हैं उनके पास पूरा पूरा फ्रीडम होता है. वहाँ पे वो कुछ भी काम कर सकते हैं, लाइक उनको बाउंडेशन नहीं होती है, दे आर फ्री टू डू एनी वर्क. उनको अपने लिए पर्सनल फ्रीडम भी मिलता है. एंड सेम इज गोड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम ऑल्सो, कि जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं वो भी अपने आप को ऑपरेशन या किसी क्वेश्चन से बचाने के दे आर ऑल्सो द फ्री, है ना? अभी आप इसको डिटेल में आगे जाके पढ़ोगे इन डिटेल ऑल्सो. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इक्वालिटी. पॉलिटिकल इक्वालिटी का मीन्स होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह भी होती हैं उनमें भी आपस में इक्वालिटी होती है. इफ़ द वन लॉ इज मेड फॉर द वन, द सेम लॉ गोज फॉर द अदर ऑल्सो. सो दे हैव द इक्वालिटी इन पॉलिटिकल वे ऑल्सो. नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच यू विल रीड अहेड इन द फर्दर क्लासेज ऑल्सो. रूल ऑफ लॉ इज मीन्स कि जो लॉ बना है वो लॉ हर किसी पे इक्वली रिलाई होता है, चाहे वो एक नॉर्मल इंसान है या हमारे कंट्री का एक मेन पर्सन है. इट गोज़ विद एवरी वन. रूल ऑफ लॉ इज सिमिलर फॉर एवरी वन इन द कंट्री. इट इज़ नॉट लाइक कि एक के लिए तो रूल है और दूसरे के लिए रूल नहीं है, राइट? इट गोज़ विद एवरी वन सेम. नेक्स्ट इज कॉमन गुड. कॉमन गुड मीन्स वट एवर वी आर डूइंग इट्स कॉमन फॉर एवरी वन. एक सबका भला, मतलब सोशल वेलफेयर टाइप कॉमन गुड फॉर एवरी वन, ठीक है? ह्यूमन डिग्निटी, अभी इसके बारे में हम लोग एक स्टोर केस स्टडी भी पढ़ेंगे इसके बाद ही. ह्यूमन डिग्निटी मीन्स एक ह्यूमन की सेल्फ रिस्पेक्ट, इसका भी हम लोग आगे भी डील ऑन करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं दिखाती हूँ कैसे ह्यूमन डिग्निटी को अफेक्ट करने के लिए कैसे लोग आगे आके काम भी करते हैं. बींग इन्फॉर्म्ड एंड बींग इन्वॉल्व. बींग इन्फॉर्म्ड एंड बींग इन्वॉल्व, इफ़ यू रिमेंबर वन राइट इज देयर राइट टू एजुकेशन. सो इसमें मतलब क्या है कि हम लोगों के एक पास राइट है कि हमें इंफॉर्मेशन भी मिलती रहे और हम हर काम में जो सरकार हमारी काम करे उस टाइम इन्वॉल्व भी होते रहें. सो वट एवर द वर्क इज डन फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री. द वर्क इवन हम बोलते हैं सरकार हमारी नहीं, हम लोग हैं मेन, सरकार हमारे लिए काम करती है. सो बींग इन्फॉर्म्ड एंड बींग इन्वॉल्व, RTI इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इट. एंड द लास्ट वन इज रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर एवरी वन. सो दीज आर द की एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इफ यू ऑल कैन सी, इंडिविजुअल फ्रीडम, पॉलिटिकल राइट, रूल ऑफ लॉ, कॉमन गुड, ह्यूमन डिग्निटी, बींग इन्फॉर्म्ड, बींग इन्वॉल्व, रिस्पेक्ट. दिस आर द फ्यू की एलिमेंट्स. इस मतलब अगर एलिमेंट्स कैसे, अगर किसी भी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है सो वहाँ पे आपको ये चीज़ें ज़रूर मिलेंगी. इंडिविजुअल फ्रीडम, हर बंदे का इंडिविजुअल फ्रीडम इज देयर. पॉलिटिकल, इन द पॉलिटिकल वे ऑल्सो दे हैव द फ्रीडम टू डू देयर वर्क. पॉलिटिकल इक्वालिटी, द रूल्स आर सेम फॉर एवरी वन. इट्स नॉट लाइक वन पार्टी इज हैविंग अनदर रूल, next party is having another, that equality there is also. Rule of law, whatever the law is meant, is meant for everyone, either as the farmer or the president, it's meant for everyone in the country. Common good, whatever the work is done for the common betterment or the welfare. Human dignity, human self-respect. किसी की आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हो कि आपके उस काम में किसी की self-respect को harm हो रहा है. अब इसको हम आगे देखेंगे. Being informed, being involved, आपको इन्फॉर्म भी किया जाएगा, आपको इन्वॉल्व भी किया जाएगा. रिस्पेक्ट, दैट यू ऑल नो.
सो दीज आर द 8 मेन की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट। अभी हमने एक बात की थी उसकी ह्यूमन डिग्निटी, उसका एग्जाम्पल देखो एपेरथाइड साउथ अफ्रीका। ये क्या है? एपेरथाइड सिस्टम स्टार्ट हुआ था साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे लोगों को इक्वालिटी नहीं मिलती थी, जहाँ पे लोगों को इक्वालिटी नहीं दी जा रही थी। कैसे? आई विल शो यू जस्ट अ सेकेंड। सो आर नेक्स्ट इज अपैराथाइड साउथ अफ्रीका। अपैराथाइड का सबसे पहले लेट्स कम कि इसका मतलब क्या होता है। अपैराथाइड का मतलब होता है सेपरेशन बेस्ड ऑन रेसेस, कि वहाँ के लोगों को सेपरेशन मीन्स अलग अलग सेग्रेगेट कर दिया गया था उनके रेसेस के बेस पे, उनके फेस कलर के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल पीपल वर डिवाइडेड इंटू वाइट ब्लैक इंडियन एंड कलर्ड रेसेस। जस्ट अ सेकेंड बेटा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो पीपल वर डिवाइडेड इंटू वाइट ब्लैक इंडियन एंड कलर्ड बेस्ड रेसेस। सो इट वॉज पीपल, जो वहाँ के लोग थे उनको अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया गया था। मतलब वाइट पीपल्स को अलग देखते थे, ब्लैक पीपल्स को अलग देखते थे। और जो बहुत ही गलत चीज़ थी, क्या आपको इंडिया में ऐसा कहीं पर दिखता है कि ये चीज़ तो वाइट पीपल के लिए है, ये चीज़ ब्लैक पीपल के लिए है, ये बस वाइट के लिए है, ये बस ब्लैक के लिए है, ये चीज़ों में खाली वाइट जाएंगे, यहाँ ब्लैक नहीं जा सकते? नहीं है ना। क्यों? बिकॉज हमारी कंट्री क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। अफ्रीका में उस टाइम में डेमोक्रेसी नहीं थी, तो वहाँ पे लोगों ने क्या करा, वहाँ पे लोगों ने उनको अलग अलग रेसेस पे डिवाइड कर दिया। और बेटा ये आपकी केस स्टडी क्लास 7th में भी आएगी, 8th में भी आएगी, 9th में भी आएगी। सो लिसन इट वेरी केयरफुली। ठीक है, तो वहाँ पे जो सिस्टम था वो अपैराथाइड का था। ठीक है, वहाँ पे लोगों को अलग अलग रेसेस के बेस में डिवाइड कर दिया गया और उनको आपस में मिंगल मीन्स उनको आपस में एक साथ बैठने भी दिया नहीं करते थे, काम नहीं करते थे। मैं इसको आपकी एक स्टोरी और सुनाती हूँ। एक जो केस स्टडी थी वो ये थी कि एक उन अफ्रीका में ये सिस्टम था कि अगर पहले तो बसेस अलग अलग हैं, वाइट बसेस ब्लैक बसेस, वाइट के लिए अलग बसेस हैं, ब्लैक के लिए अलग बसेस हैं। लेकिन कभी अगर जो लोग हैं ब्लैक यूज़ कर लेते हैं सेम बसेस, और अगर सपोज़ करो ब्लैक एक पर्सन है जो बैठा हुआ है सीट पे, ठीक है, कहीं पे, और ऊपर से वाइट कोई ह्यूमन कोई वाइट पर्सन आ जाता है, तो ब्लैक को अपनी सीट छोड़ के वाइट को देनी पड़ेगी। सो दिस वॉज अ सिचुएशन विच वॉज गोइंग इन साउथ अफ्रीका। अ टू मच ऑफ डिस्टिंग्विश डिफ्रेंशिएशन बिटवीन ब्लैक एंड वाइट, टू मच वॉज गोइंग ऑन दैट टाइम, है ना। और उनको आपस में मिंगल के लिए भी अलाउड नहीं किया जा रहा। इवन लुक देयर, दे वर हैविंग द सेपरेट हॉस्पिटल्स, लुक एट द लिमिट, इवन द डिफरेंट हॉस्पिटल्स दे वर हैविंग, हर चीज सेग्रेगेट था। इवन द स्कूल्स हॉस्पिटल्स पार्क्स एवरीथिंग वॉज सेग्रेगेटेड। सेग्रेगेटेड मीन्स अलग अलग। एम्बुलेंस फॉर वाइट वो वेल इक्विप्ड, देख रहे हो, जो एम्बुलेंस थी वाइट के लिए वो बहुत ज़्यादा इक्विप्ड थी, अच्छे से थी, सारे उस पर चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जो ब्लैक की थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। सो दिस वॉज अ डिस्टिंग्विशन दे वर गिविंग बिटवीन ईच अदर। अब देखो सिंपल आपको डिफरेंस पता है। मैंने एक और एग्जाम्पल देखो, जो लोकल लैंग्वेज थी वो थी जुलू, जो ब्लैक पीपल्स बोलते थे, लेकिन जो अफ्रीकांस लैंग्वेज थी दैट वॉज स्पोकन बाय द वाइट। इवन दे वर हैविंग द डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेजेस ऑल्सो। लुक एट द लिमिट ऑफ सेग्रेगेशन दे वर हैविंग अपैराथाइड। इस चीज के खिलाफ फाइट करने के लिए जो एक हमारे लीडर सामने आए थे, सबने नाम सुना होगा उनका, ही वॉज द वन नेल्सन मंडेला। इन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई करनी शुरू करी थी, और जिसके लिए पता है इनको 28 ईयर्स का जेल में भी डाल दिया गया था। लेकिन इनके व्यूज़ और लोगों में इतने जागरूक हुए थे कि ये जो मूवमेंट था ये बंद नहीं हुआ। फिर जब ये प्रिजन से बाहर आए थे ना, 28 साल की जब जेल हो गई थी उससे बाहर आए थे, फाइनली 1994 में जो उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था फॉट बाय अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेल्सन मंडेला इन 1994 बिकेम अ डेमोक्रेटिक नेशन। फिर जो साउथ अफ्रीका था जिसमें पहले ये ब्रिटिशर्स वगैरह रूल कर रहे थे, ये वाइट पीपल्स रूल कर रहे थे, फाइनली जब नेल्सन मंडेला ने इनके खिलाफ फाइट करना शुरू करा तो इन 1994 दिट बिकेम द डेमोक्रेटिक नेशन। वो हवा का क्या बन गया? वो डेमोक्रेटिक नेशन बना। गेटिंग द पॉइंट? दिस वॉज द केस स्टडी ऑफ अपैराथाइड विच वॉज इन साउथ अफ्रीका। और ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो दिस, बिकॉज ये केस स्टडी आपको हर जब भी आप पढ़ोगे ना डेमोक्रेसी के बारे में, आपको ये केस स्टडी जरूर मिलेगी, बिकॉज एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया था इस केस स्टडी ने, अपैराथाइड साउथ अफ्रीका। ठीक है, क्लियर एवरी वन? कमिंग टू नेक्स्ट, हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में अगर हम लोग बात करें, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारे इंडिया में। तो अगर हम लोग बात करें हमने शायद इसे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि हम लोग गवर्नमेंट के हर टास्क में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, पढ़ा था हमने,
टू वेज इन विच द पीपल वर्क एज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आपने उस क्वेश्चन भी लिखा है उसका, तो उसमें एक पहला था पार्टिसिपेशन। अब क्वेश्चन है हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम कैसे पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नमेंट की वर्किंग में, राइट। सो लेट सी दिस ऑल्सो। देखो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, बाय वोटिंग पीपल इलेक्ट लीडर्स, राइट। हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोगों को वोट करके, अभी हमारे हाथ में। देखो आजकल में हम लोग क्या करते हैं, आजकल के लोग खाली पार्टीज देखते हैं, कांग्रेस एंड बीजेपी पार्टी एंड एवरीथिंग, आपने देखा होगा, विच इज एक्चुअली नॉट गुड। हमें उसको वोट करना चाहिए जो हमारे कंट्री के बेटरमेंट के लिए काम करेगा। हम लोग बोलते हैं सरकार ने ऐसे काम कर दिया, अरे तो इलेक्ट भी तो हम लोगों ने करा है। लाइक बाई वोटिंग पीपल टू इलेक्ट देयर लीडर्स, हम ऐसे लीडर को इलेक्ट करें जो हमारे लिए काम करें, जिसको पता है हमारे बेटरमेंट का क्या है, जो हमारे लिए अच्छा काम कर सकता है, तो हम उनको वोट करते, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, तो हम लोग उनको वोट करेंगे, हम लोग उनको वोट करके अपना लीडर बनाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन, फिर जिनको हम लोगों ने वोट करा है वो हमारे क्या बन जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, वो हमारे लिए क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। वॉइस ऑफ पीपल इज इंक्लूडेड, देखो जैसे हमारे यहाँ अब सपोज करो अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स के सीएम सारे मिलते हैं नेशनल मीटिंग्स वगैरह में, तो वहाँ पे जाके जो हमारी जो वॉइस, जो हमारी जो बातें होती हैं उसको वहाँ पे जाके रखते भी हैं। गवर्नमेंट कैन बी फॉर अ पीरियड, इन इंडिया में कितने साल के लिए गवर्नमेंट, आपने देखा होगा हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, तो जो गवर्नमेंट जो हम लोग फॉर्म करते हैं वो कितने साल के लिए होती है, वो 5 ईयर्स के लिए होती है, और फिर उसके बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं। अब सपोज करो एक गवर्नमेंट है 5 साल तक काम करा, उस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम करा इंडिया के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम दोबारा वोट देंगे, है ना, दोबारा वोट देके दोबारा जितवाएंगे, और अगर उसने काम अच्छा नहीं करा उसको हम नेक्स्ट टाइम वोट नहीं देंगे। तो ऐसे हमने क्या करा, ऐसे हमने पार्टिसिपेट करा एक हमारी गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए और अपने बेटरमेंट के लिए, ऐसे तो करते हैं। अब हमने देखा जैसे हमारे करंट हमारी गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी हैं, अब हम देखेंगे हाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है इनको हम नेक्स्ट टाइम भी वोट देंगे। अगर ये अच्छा काम नहीं करते, नहीं इन्होंने अच्छा काम नहीं करा, इनको हम नेक्स्ट टाइम वोट नहीं देंगे, ऐसे ही करते हैं। सो दिस इज द ऑल्सो वन थिंग। नेक्स्ट वन इज वर्किंग इन गवर्नमेंट एंड क्रिटिसाइजिंग व्हेन नीडेड, हम लोग गवर्नमेंट के काम के वर्किंग में इंटरफेयर भी करते हैं और वो क्रिटिसाइज भी करते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल जब नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तब कुछ लोगों ने बोला कि नहीं बहुत अच्छा काम करा, इससे ब्लैक मनी बाहर आएगा, इससे ये होगा, इससे वो होगा, राइट। कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी करा, उसको गलत भी ठहराया। तो ऐसे करते हैं हम पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट के एक्शंस में, अगर आपको मन करे तो आप साथ दो, आपका ना करे उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, है ना। हम लोग क्रिटिसाइज भी तो करते हैं कि नहीं यार ये काम अच्छा नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये चीज़ तो गलत है, ऐसे ही करते हैं। सो वी कैन क्रिटिसाइज ऑल्सो। और कैसे करते हैं, अगर सपोज आपको उसको आपको अगेंस्ट करना है तो आपने देखा होगा रैलीज निकालते हैं, है ना, बाहर सारे रैलीज निकालते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं, बोलते हैं स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, धरना धरना दे देते हैं, धरना उसे बोलते हैं धरना प्रदर्शन, कि हम यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक हमारी ये बातें पूरी नहीं होंगी, स्ट्राइक्स सब कुछ बंद कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, हम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हमारी गवर्नमेंट चीज चेंज ना कर ले। तो हम ऐसे गवर्नमेंट के खिलाफ भी कर सकते हैं सिग्नेचर कैंपेन्स। तो मतलब ये दिखा रहा है कि कैसे हम लोग गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका अगर साथ देना हो तो साथ देते हैं, अगेंस्ट कुछ बोलना हो तो अगेंस्ट भी बोल सकते हैं। और अपने व्यूज़ को आपने देखा होगा आजकल तो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टीवी, हर जगह ये फिल्ड है विद डिफरेंट न्यूज़ एंड ऑल। मीन्स सिंपल वे था कि व्हेन वी आर पार्टिसिपेटिंग, सॉरी व्हेन वी हैव टू पार्टिसिपेट, सो वी कैन पार्टिसिपेट इन डिफरेंट मेथड्स, वी कैन डू इट बाय वोटिंग एंड इलेक्टिंग फॉर द लीड, बाय वोटिंग पीपल इलेक्ट लीडर्स, रिप्रेजेंटेटिव टेक्स डिसीजंस, वॉइस ऑफ पीपल यूजली 5 साल के लिए होता है इंडिया में, एंड देन वर्किंग इन गवर्नमेंट एंड क्रिटिसाइजिंग व्हेन नीडेड, हम उनको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, एंड देन रैलीज, धरना, स्ट्राइक्स एंड सिग्नेचर कैंपेन्स आर ऑल्सो डन फॉर द गवर्नमेंट। सो दिस इज अ फ्यू वे, फ्यू डिफरेंट थिंग्स इन दिस, आप तरीके हैं कि हम कैसे कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आओगे आपको। 3 टॉपिक्स कंप्लीट करें हमने आज, की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, ऑल द 8 इज क्लियर टू यू, देन अपार्थाइड क्या है, साउथ अफ्रीका में कैसे उसे सेग्रेगेट कर रखा था, एंड नेल्सन मंडेला ने कैसे अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक नेशन बनाया था, एंड हाउ कैन वी पार्टिसिपेट इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट वी विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। टिल देन यू ओनली हैव टू रिवाइज दीज 3 टॉपिक, लर्न इट नाइसली, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट लीव योर कमेंट इन द सेक्शन बॉक्स बिलो, आई विल बी गिविंग यू द रिप्लाई देयर ओनली, ठीक है। आप इसी नीचे अपना एक कमेंट ड्रॉप आउट कर सकते हो सेक्शन बॉक्स में, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में।
ओके, थैंक यू क्लास, स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप स्टडीइंग।